अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू डिज़ाइनर पे आप किस तरह पोस्ट करेंगे? आपने पहले उर्दू डिज़ाइनर को कर लेना है इंस्टॉल। इंस्टॉल कर लेने के बाद ये आपको नजर आ रहा है, इस तरह का उर्दू डिज़ाइनर होगा, उस पर उर्दू लिखा होगा। इसके बाद जब आप इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप इसे ऑनलाइन इस्तेमाल करेंगे, यानी आपका पैकेज होना ज़रूरी है कि जो पोस्ट आप फ्री में और ज़बरदस्त किस्म की पहले से बनी हुई पोस्टों को आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ ऑनलाइन डिज़ाइन है, यहाँ पर आप दबाएँगे और ऑनलाइन डिज़ाइन दबाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइन आ जाएंगे। आपने यहाँ लिखना है इस्लामिक, तो ये देखिए मैंने इस्लामिक लिखा है। यहाँ पे बहुत सारे इस्लामिक पोस्ट हैं और बैनर भी बने हुए हैं। ये देखिए होम ट्यूशन, ऑनलाइन टीचिंग, ये है तो सही लेकिन बहुत सादा है। तो इसी तरह के हमने देखने हैं, बहुत ही कमाल के अच्छे अच्छे जो बने हुए हों उर्दू में। ये देखिए ये पहले से बना हुआ है, इसको भी आप ओपन करके बना सकते हैं। चले इसी को ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं। यहाँ जब आप इसको दबाएंगे, डाउनलोड एडिट, ऊपर ऊपर वाले को आपने दबा देना है। तो इस तरह आपने बहुत सारे यहाँ सर्च करने हैं और सर्च करने के बाद आपने अच्छे से देख लेना है इसको, कौन सा सबसे अच्छा है, खूबसूरत है, उसको फिर आपने यहाँ करना है अप्लाई। इधर से आप डिलीट करेंगे, या आपको डिलीट का ऑप्शन नज़र आ रहा था, ये देखें इसके पीछे इसने लगा दिया है शेडो, तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। शेडो को हम कर देते हैं ऑफ। शेडो आपको नज़र आ रहा है ब्लैक ब्लैक इसके पीछे, ये देखें ये बड़ा हो गया है। आपने यहाँ कुछ भी नहीं करना, यहाँ आपने थोड़ा सा इसका रंग चेंज करना है, रंग सबज कर लेते हैं। आपने देख लेना है जो जौन सा रंग भी उसके मुताबिक हो उसको आपने चेंज कर लेना है। हम चेक कर लेते हैं कौन सा रंग यहाँ पर अच्छा रहेगा, और ज़्यादा आपने रंगीन भी नहीं बनाना, पाँच छः रंग अच्छे नहीं होते। ये थोड़ा सा ठीक है लेकिन देख लेते हैं और भी। इसके बैकग्राउंड को हम, जो शेडो पड़ रहा है ना, इसको हम करते हैं चेंज, इसका रंग चेंज करते हैं थोड़ा सा, और इसकी सेटिंग करते हैं हम, पीछे जाते हैं और ये है ऑप्शंस, और यहाँ से हम इसके शेडो को थोड़ा सा ये देखिए भाई कुछ समझ आ रही है आपको। इसे दाएं बाएं होगा शेडो, इसे ऊपर नीचे होगा और इसे ब्लर होगा, ये धुंधला होगा, ये साफ होगा, इसे आपने सेटिंग कर लेनी आप अपने मुताबिक। और ये शेडो कहाँ से आया था ये आपको नज़र आ रहा है, ये शेडो लिखा भी हुआ है। तो इसके बाद आपने फिलहाल भी इसका रंग कोई ख़ास नहीं है, आपने अच्छे से रंग देख लेना है भाई, रंगों को देख लेना है। ये कुछ सही है लेकिन इसके पीछे आपको लगाना पड़ेगा बॉर्डर, बॉर्डर ऐसे बनाते हैं इसको हम, और यहाँ से हम इसका कलर देख लेते हैं, कोई सफ़ेद लगा लेते हैं, लेकिन ये बॉर्डर बहुत ही मोटा है, हम इसको करते हैं थोड़ा सा बारीक। बारीक करने के लिए ये विद में जाएंगे, तो इधर माइनस का इधर प्लस का निशान दिख रहा है, तो आपने माइनस में करते जाना है। तो ये देखें बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ये सही है भाई, इतना सा हमारा शेडो, ये बॉर्डर जो है ये काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये देखें जो ऊपर वाला भी इतना इसको कर लें दरमियान में, और इसके रंग को भी हम देख लेते हैं। और इसके गिर्द जो लाइन है वो सुरख है, इसको हम चेंज करते हैं, ये ठीक है, अभी ठीक हो गया, कुछ समझ तो आ रही होगी आपको, यानी दो रंग आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है, तीसरे को बाकी रंगों को आपने नहीं छेड़ना। ये तालिमुल कुरान, तालिमुल कुरान एकेडमी है, आपने इस जगह अपनी एकेडमी का नाम लिख लेना। ये आपको पेंसिल का निशान नज़र आ रहा है एडिट, यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे आपने अपनी एकेडमी का नाम लिख लेना उर्दू में। ये देखिए भाई मैंने अपनी अकेडमी का नाम लिख दिया है, दी वर्ल्ड ऑफ कुरान, ठीक हो गया। और ये नीचे जो इसके वो स्टाइलिश शेप है इसको मैं कर लेता हूँ छोटा, नज़र आ रही होगी आपको, आपने इधर उधर से पकड़ के इसको कर लेना है छोटा। इसको भी मैं पकड़ता हूँ नीचे वाली शेप को और इसको कर लेता हूँ दरमियान में, इसको भी दरमियान में। और अगर थोड़ा सा मसला हो, आपने बिल्कुल थोड़ा सा करना है,
ये मूव आपको ऊपर दिख रहा है, इसको आपने दबाना है। इसको पकड़ के आप इधर उधर भी कर सकते हैं। इसके बाद आप ये दाएं बाएं इधर से आपको तीर नज़र आ रहे हैं ऊपर नीचे के लिए, आपने यहाँ से इसको दाएं बाएं कर लेना है। नीचे वाली शेप थोड़ी सी हमने करनी है दरमियान में, तो ये देखिए बिल्कुल दरमियान में होगी ये। इसके बाद ये क्रॉस का निशान है, इसको मैं दबाता हूँ, ये गायब हो जाएगा। ये भी ठीक है, जिसमें हम आपको सिखाएंगे नूरानी कायदा हिफ्ज़ तजवीद नागरा कुरान इस्लामी अदा मसनून दुआएं, ठीक है ये इसी तरह आपने रहने देना। मुनासिब फिर तजर्बा कार उसादा व्हाट्सअप जूम ऐप और स्काइप के जरिए सिखाने की सहूलत, उम्र की कोई, ये व्हाट्सअप ऐप और जूम ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ये आप रातें के दौरान भी उनसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अपने ऐड टू डिज़ाइन करना है, तो ये ऐड हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा लंबा, तो ये काम हो गया बराबर। इसको भी मैं पकड़ के इधर उधर ज़्यादा हो जाएगा, इसको मैं दबाता हूँ और थोड़ा सा ये नीचे वाले के बराबर हो गया ये, और ये भी ठीक है। उम्र की कोई हद नहीं, ज़ेर निगरानी कारी मौलाना अब्दुल माजिद बिन औरी हाफिज़ सैयद अली शाह, यहाँ आपने अपना नाम लिख देना है। इसको आप सिलेक्ट करेंगे, हाँ ये देखें, अगर कोई चीज़ इस तरह इधर उधर भाग रही हो ना, तो आपने एक काम करना है, वो क्या काम है, यहाँ जाना है आपने लेयर्स में। लेयर्स में जाके जो चीज़ें भाग रही हैं ना, जिनको आपने अभी फ़िलहाल नहीं इस्तेमाल करना, उनको आपने यहाँ से करते जाना है लॉक। ये आपको ताले का निशान नज़र आ रहा है, इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ, इसको भी लॉक कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ, यानी जो चीज़ें ज़्यादा इधर उधर होने का खतरा है इनका, उनको लॉक करते जाएँ, ठीक है, या जिन पे आपका काम होता गया उनको आप लॉक करते जाएँ। इसके बाद आपने ये नाम चेंज करना है, नाम चेंज करने के लिए आपने फिर यहाँ एडिट पे जाना है, एडिट पे जाके आपने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, ठीक है, ये मैंने अपना नाम लिख दिया। और ये यहाँ भी बेहतर है कि जो इर्द गिर्द शेडो है वो सफ़ेद रंग का हो, लेकिन ठीक है चलेगा। ये यहाँ मैं और कोई नाम लिख देता हूँ, या इधर मैं कुछ और लिख देता हूँ, ठीक हो गया ये, यानी गुजारे लायक हमने फेसबुक तालीमुल कुरान ऑनलाइन अकेडमी। तो यहाँ आपने फेसबुक के बजाय आपने लिख देना फेसबुक पेज दावर डाव कुरान, ये मैं इधर आपने लिख देता हूँ भाई। इसको मैं ऐड टू डिज़ाइन करता हूँ और देख लेते हैं क्या बन गया, सही है भाई, चलेगा काम। मज़ीद मालूम के लिए रब्ता करें, यहाँ इस नंबर की जगह आपने अपना नंबर लिख देना, आसान सा काम है, कोई इतना मुश्किल तो नहीं है। यहाँ मैं अपना नंबर लिख देता हूँ भाई, ये प्लस नंबर, इसके बाद ये इसकी जगह हमारा नंबर आ गया और ये हमारी पोस्ट तैयार है बिल्कुल आधे घंटे के अंदर। इसके बाद आपने यहाँ ये सेव का आपको निशान नज़र आ रहा है, इसको आपने दबाना है, इसको फुल करना है आपने, इसके बाद सेव के ऊपर आपने दबा देना और ये अभी होगी आपकी पोस्ट तैयार। अगर फिर भी किसी को मसला हो रहा हो तो इंशाल्लाह उसकी रहनुमाई की जाएगी। अगर आप इसको मुकम्मल तौर पर ए टू जेड सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए जब आप इसको खोलेंगे उर्दू डिज़ाइनर को, यहाँ पर ये ट्यूटोरियल आपको नजर आएंगे, इसको आप दबाएंगे, आप यहाँ से पहुँच जाएंगे यूट्यूब पर। तो YouTube पे ये उर्दू डिज़ाइनर के हवाले से पूरी की पूरी ए टू जेड सारी क्लासें इन्होंने खुद उर्दू डिज़ाइनर वालों ने बताई हुई हैं, किस तरह आपने कौन सा टूल बनाना है, कौन सी थंबनेल कैसे बनाना है, ये पोस्टें कैसे तैयार करनी है, सारी इन्होंने ये तरीके बताए हुए हैं, आप यहाँ से जाके देख सकते हैं।